बीजेपी का घोषणा पत्र जुमले का है और ये जुमले का घोषणा पत्र बीजेपी का अब नहीं चलेगा। अभी और किसान की याद आई, गरीबों की याद आई, युवाओं की याद आई, तो ये 14 में भी इनने कहा था, 2019 में भी कहा था और वही घोषणा पत्र उसकी कॉपी निकाल के इन लोगों ने लाया है और उस आधार पर ये जुमलेबाजी अब नहीं चलेगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार ने गए 10 साल में अदानी और उनके कुछ उद्योगपति मित्रों के लिए ही सत्ता चलाई है और ये अदानी की सरकार अब नहीं चलेगी। देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की सरकार चलेंगी और जो जनता के लिए काम करेगी। और जिस तरह से कांग्रेस ने मैनिफेस्टो दिया है उसको देश की जनता ने एक्सेप्ट किया है और राहुल जी की लीडरशिप को लोगों ने मान्य किया है, बीजेपी नरेंद्र मोदी की लीडरशिप को लोगों ने सत्ता से बाहर निकालने का मानस बना लिया है। इसी बारे में है, बीजेपी के घोषणा पत्र में वन नेशन वन इलेक्शन लागू करेंगे और समान नागरिक संहिता लागू करेंगे, ऐसे भी घोषणा पत्र। ये वन नेशन वन इलेक्शन क्या है ये तो लोगों को एक बार समझा दे, क्योंकि जो 400 बार का जो आंकड़ा ये लोग बता रहे हैं इसके बाद में कोई चुनाव ही नहीं, इसका ये मतलब है क्या? ये उन लोगों ने जनता से क्लियर करना चाहिए। दूसरा, ये समान नागरिक कानून जो लाने की बात ये बार बार कह रहे हैं, तो ये तो 2014 में भी किया था, 2019 में भी ये बात की थी, इनको रोका क्या था? बहुमत की सरकार थी, लोगों को गुमराह करने के बारे में इन लोगों ने बार बार गुमराह करना, यही उनका काम है और इसलिए इनकी ये जुमलेबाजी अब नहीं चलेगी। घोषणा पत्र नहीं है, ये जुमलेबाजी है। ये सलमान खान के सामने जो फायरिंग हुई, क्या लगता है कि महाराष्ट्र में जो कानून व्यवस्था जो है बिगड़ गई है? महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था पूरी बिगड़ी हुई है। महाराष्ट्र एक कानून का राज्य रहता था, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में है, बीजेपी की सरकार के उनके रवैये की वजह से, जैसे आपने देखा होगा 3 दिन पहले मुंगेरी लाल के सपने जो नितिन गडकरी जी है वो 2014 में प्रधानमंत्री बनने वाले थे, 2019 में भी प्रधानमंत्री, उनका वही चलता है कि भावी प्रधानमंत्री ऐसे बोलते उनको, तो ये और खुद को सुसंस्कृत बोलने वाले गडकरी जी जब चंद्रपुर गए, वह कांग्रेस की उम्मीदवार हमारी महिला है और इनके मुंगट की वार है, उसको बोला कि ये खाया पिया शिलाजीत खाया हुआ हमारे पास पहलवान है। देखिए, महिलाओं के सामने इस तरह शिलाजीत काय के लिए खाया जाता है, ये बात अगर उनको पता नहीं है तो उनने पूछ लेना चाहिए, या शिलाजीत ही खा के गडकरी रहते क्या, ये भी उनने जनता को बताना चाहिए। लेकिन महिलाओं के सामने, महिलाओं की उम्मीदवारी के सामने इस तरह का वक्तव्य ये निषेधार्थ है। गडकरी ने माफी मांगना चाहिए, ये भूमिका कांग्रेस पार्टी की है और इस तरह से असंस्कृत व्यवहार करने के वजह से ही महाराष्ट्र में जो कानून व्यवस्था बिगड़ती है इसके रीजन ही वैसे है। बलात्कार के प्रमाण महाराष्ट्र में बढ़ गए, महिलाएं महाराष्ट्र से 5,000 महिलाएं गायब हो चुकी है, कहाँ गए अभी तक पुलिस उसका पता नहीं कर रही है। तो ये जो स्थितियां महाराष्ट्र में बनी हुई है कानून व्यवस्था की, उसके रीजन भी ये खुद ही बीजेपी है। गोळीबार नाही, ते इंदापूर मध्ये तर गोळी मारली आणि त्याला कोयत्याने कापलं, हे दहशत निर्माण करून राजकारण करणारी ही भाजपची गुंडा टोळी आहे आणि या भाजपच्या गुंडा टोळीमुळेच हे महाराष्ट्रामध्ये या पद्धतीचे घटना होतात आहेत, लोकांमध्ये दहशत आहे आणि हे सरकारच आता नसलं पाहिजे, ही भूमिका महाराष्ट्राच्या जनतेची आहे। नारायण राणेंनी उद्धव ठाकरेंवर अशी टीका केली का ते साहित्यिक आहे, एडे आहे, अशा पद्धतीची टीका केली आणि त्यांनी कोणाला स्वतःला म्हटलं की उद्धव ठाकरेला म्हटलं मला माहिती नाही, ते मी ऐकलं नाही त्यांचं।